हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल राजयोगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक रिचार्जेबल रिमोट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सेल बार बार बदलने पड़ते हैं, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा चलते ही नहीं हैं, तो आज हम अपने इस रिमोट में बैटरी का फंक्शन डालने वाले हैं, जिससे कि आप इसको चार्ज करके साल साल चला सकते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ रिमोट ले लेते हैं, जिसमें से कुछ नए हैं और कुछ पुराने हैं। तो दोस्तों, नए में क्या पैसा खर्च किया जाए, हम पुराने ही रिमोट ले लेते हैं और बाकी नए को हटा देते हैं। तो चलिए, इसमें सेल पड़े हुए हैं, हम सेल को बाहर निकाल लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ये ओपन हो चुका है और इसको फिलहाल हम साइड में रख देते हैं। और हमें चाहिए एक बैटरी 3.7 वोल्ट की, तो आप कोई भी मोबाइल की बैटरी ले सकते हैं। और एक चाहिए 4056 चार्जिंग मॉड्यूल। दोस्तों, ये मार्केट में आराम से 50-60 रुपये का मिल जाता है। और इसमें हम कनेक्शन करेंगे बैटरी के। तो सबसे पहले चलो बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं। ये बैटरी हमने तार जोड़ लिए हैं, अब इनको हम इसमें कनेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से। जो प्लस वी है इसमें बैटरी का पॉजिटिव, और वी माइनस है इसमें नेगेटिव। दोस्तों, दो तार और जोड़ देंगे इसी के बराबर में, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये हमने दो तार एक्स्ट्रा और जोड़ दिए हैं, इनका क्या काम है अभी मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये दोस्तों आउटपुट हैं, जो हमने दो तार एक्स्ट्रा जोड़े हैं, ये आउटपुट हैं, बैटरी की आउटपुट निकलेगी इसमें से। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं रिमोट में। ये हमारा एक्स्ट्रा तार है, इनको काट देंगे। और रिमोट में जो छोटी स्प्रिंग होती है, ये पॉजिटिव होता है, आप जैसे देख सकते हैं इसमें प्लस वी लिखा है, यानी कि ये पॉजिटिव है, इसमें रेड लगा देंगे। और ये माइनस है, इसमें नेगेटिव वाला सिरा लगाएंगे। ये रेड वाला यहाँ लगा देते हैं और ब्लैक वाला यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमारे कनेक्शन लगभग तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्किट को और बैटरी को फिट करने की जुगाड़ देखते हैं, इसमें कैसी फिट होती है। तो हम देखते हैं कहीं से जुगाड़ बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो बैटरी इसमें इस तरीके से आ नहीं रही है, तो हम इसका जो आगे वाली पत्ती है इसको काट देंगे, जिससे कि बैटरी फिट हो सके। तो चलिए तो सेटिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, बैटरी फिट हो चुकी है। अब हम सर्किट की जुगाड़ देखते हैं कैसे फिट करें इसको। तो चलिए इसकी जुगाड़ देखते हैं। दोस्तों, इसमें स्प्रिंग जो है ये एक्स्ट्रा, इसको फालतू है, कोई काम नहीं इसका, निकाल देंगे, फेंक देते हैं इसको। और इसको सर्किट में लगा देंगे, इसमें दो होल कर देंगे दोस्तों, जिससे कि हमारा सर्किट इसमें फंस जाएगा तो बार बार हिलेगा नहीं। तो हमने आयरन की मदद से इसमें दो होल कर दिए हैं। और इस मॉड्यूल के पीछे दो PVC के पॉइंट होते हैं, वो इसमें फंस जाएंगे, तो हम ये ग्लू स्टिक की मदद से इसको चिपका देते हैं। ये हमने हीट करके और इसको पिघला लिया है, और ये ग्लू स्टिक को हमने इसमें
लगा दिया है। तो चलिए इसको हम सर्किट को इसमें चिपका देते हैं और इसके कनेक्शन करके फिट कर देते हैं। दोस्तों अब जो एक्स्ट्रा जो तार हैं इनको बड़ी सावधानी से इसमें फंसा देंगे। हमने साइड में कट मार दिया है इस जगह पर, इसमें सारे तार आ जाएंगे बीच में और ये अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। चलिए इसका ढक्कन लगा देते हैं। ये ढक्कन हम इसका लगा दिया है और ये लगभग अच्छे तरीके से फिट भी हो गया है। ये हमने लगा, हाँ ये अच्छी तरीके से फिट हो गया है। चलिए लगभग हमारा तैयार हो चुका है और समय है अब इसकी टेस्टिंग का, वर्क करता है या नहीं करता। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास ये टेस्टर है चेक करने का, सेंसर का, IR सेंसर है इसमें। तो ये हमारा वर्क कर रहा है अच्छी तरीके से। दोस्तों इसमें बैटरी है, सेल नहीं है, हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कोई सेल नहीं है इसमें, क्योंकि ये बैटरी इनके अंदर फिट करी है उसी से चल रहा है। तो अच्छा वर्क कर रहा है। चलिए इसकी चार्जिंग मॉड्यूल चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं, चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हम चार्जिंग पिन इसमें लगा देते हैं और ये हमने चार्जिंग पिन लगा दी है इसमें। और ये लगभग ये देखिए ये रेड कलर ग्लो कर रही है। जब ये चार्ज फुल हो जाएगी तो ये ब्लू कलर की हो जाएगी, यानी कि ये फुल चार्ज हो जाएगी। चलिए इसका ढक्कन लगा देते हैं और ये हमारा मॉड्यूल बनके तैयार हो गया है, ये चार्जिंग वाला रिमोट। दोस्तों आप आराम से इसको चार्ज कर सकते हैं और सालों साल चला सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।